सूरत शहर में भाजपा की पूर्व पार्षद के दो बेटों सहित तीन लोगों के खिलाफ ठगी का मामला। पुलिस ने राहुल भोबा, नीरव भोबा और हेमंत चौहान को गिरफ्तार किया। मनपा में नौकरी दिलाने का झांसा देकर की 8.9 लाख रुपयों की ठगी। सूरत शहर में भाजपा की पूर्व पार्षद के बेटों सहित तीन जालसाजों ने मिलकर लाखों रुपयों का चूना लगाया होने का मामला सामने आया है। सूरत महानगर पालिका तथा पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर भुवा बंधुओं ने चार लोगों से कुल 8.9 लाख रुपए ऐंठ कर जालसाजी की। पुलिस ने भाजपा की पूर्व पार्षद छाया भुवा के बेटे राहुल भुवा, नीरव भुवा तथा अन्य हेमंत चौहान के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी राहुल भुवा उधना के सिलिकॉन सोपर्स में ऑफिस चलाता था। करीब 3 साल पहले जिनेश नामक युवक को मनपा में तथा पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी के जाल में फंसाया था। इसके बाद धार्मिक नामक युवक को मनपा में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे 5 लाख रुपए ऐंठे थे। इस तरह जालसाज राहुल ने अपने भाई नीरव और अन्य हेमंत चौहान के साथ मिलकर चार लोगों के पास से कुल 8.9 लाख रुपए ऐंठे थे। यहां तक कि उन्हें फर्जी कॉल लेटर भी दे दिया, लेकिन बाद में उन चारों को न तो नौकरी के लिए कोई कॉल आई और न ही उन्हें किसी तरह की कोई नौकरी लगी, जिसके बाद ये पूरा मामला पुलिस थाने में पहुंचा। पुलिस ने ठगी के मामले में भुवा बंधुओं सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।